बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर है हमारा 3। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कोलिजन। इसमें आप सीखेंगे कोलिजन क्या होता है, कोलिजन की टाइप सीखेंगे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारा मेन टॉपिक का हिस्सा है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिजन से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कोलिजन होता क्या है। कोलिजन लफ्ज का उर्दू में मतलब होता है टकराव, आपस में टकरा जाना। तो जब दो बॉडीज जो है वो आपस में फोर्सफुली इंटरैक्ट करती हैं, दूसरे को हिट करती हैं ऐसे, तो इसको हम कोलिजन कहते हैं। रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा स्नूकर की एक बॉल जब दूसरी बॉल को जाके हिट करती है, तो ये हमारे पास एक कोलिजन की एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है कि हम ये समझते हैं कि कोलिजन में एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आती है तो ही कोलिजन होता है। लेकिन याद रहे कि दो बॉडीज का आपस में इन कांटेक्ट आए बिना भी कोलिजन पॉसिबल है। कैसे? अगर हम बात करें एक प्रोटॉन की, उसको हम हिट कराते हैं न्यूक्लियस के साथ। अब न्यूक्लियस और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को हिट करने वाले, इनके साथ कोलिजन हम करने जा रहे हैं। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, तो जब हम इस तरह एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो ड्यू टू रिपल्शन वो आपस में ऐसे इन कॉन्टेक्ट नहीं आएंगे। मान लीजिए अगर यूं आ रहे हैं तो ऐसे इंटरेक्शन इनका इस तरह होगा कि ये एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, दूसरा भी अपनी डायरेक्शन इधर को चेंज कर लेगा। इनका इंटरेक्शन हो गया, इन कॉन्टेक्ट नहीं आए, कोलिजन हो गया। ठीक है, एक बॉडी इधर को चलेगी एक इधर को चलेगी, तो ये कोलिजन है हमारे पास। लेकिन इसमें दो बॉडीज आपस में इन कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलिजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज जो है वो इन कॉन्टेक्ट आए, कॉन्टेक्ट में आए बिना भी कोलिजन पॉसिबल है। ओके, अब दूसरा जो अहम पॉइंट हमारे पास वो ये, जो दो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती है कोलिजन की। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, एक को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है हमारे पास? इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें दो पॉइंट मेजर आपने याद रखने हैं, बहुत ही आसान और सिंपल है। दो बॉडीज का कोलिजन हो रहा है, नंबर वन उसमें मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए, नंबर टू सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? दो बॉडीज हैं, इंटरैक्ट करने से पहले, आपस में कोलिजन करने से पहले उनका कुछ टोटल मोमेंटम होगा, तो इस हमारे को सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले जितना है, टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहना चाहिए। ये मतलब होता है मोमेंटम के कंजर्व रहने का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद भी होनी चाहिए। यह मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने का। तो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें हमारा मोमेंटम एक सिस्टम का वो भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सही मानों में एक इलेक्ट्रॉन का या एक सब एटॉमिक पार्टिकल का, एक एटॉमिक पार्टिकल के साथ जो कोलिजन होता है वो उसकी सही बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक बॉल ले लें, उसको रिजिड सरफेस पे नीचे फेंके, आपने कुछ वेलोसिटी के साथ उसको नीचे फेंका, उस वेलोसिटी की वजह से उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो हिट करने के बाद वापस उसी हाइट पर आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली उसी हाइट पर आ जाती है, तो उसके बाद वापस उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जितने टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी, हिट होने के बाद, टकराने के बाद वापस, फिर उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो हम कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रही है। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन की। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि समटाइम हमने बहुत सारी एग्जांपल ऐसी देखी हैं कि बाल वापस उसी हाइट पर नहीं आती, उसे थोड़ा सा नीचे हो जाती है, तो ऐसा क्यों? तो मैंने आपसे पहले कहा इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सब एटॉमिक पार्टिकल और एक एटॉमिक पार्टिकल का आपस में कोलिजन है। बाकी जो केसेस है, जैसे मैंने बाल की बात की, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस आ जाती है, समझने के लिए हम उस, क्योंकि बहुत कम एनर्जी लॉसेस है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। ठीक है,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर लॉसेज आ जाते हैं, क्योंकि बॉल जब मूव करेगी तो एयर के अंदर मूव करती हो जाएगी, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इन इलास्टिक फ्लूइड की। ठीक है, इन इलास्टिक फ्लूइड के अंदर भी दो पॉइंट आपने याद रखने, मोमेंटम तो इस केस में भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। अब तब्दीली आती तो कहां पर, काइनेटिक एनर्जी यहां पर कंजर्व नहीं आती। ठीक है, इन इलास्टिक फ्लूइड के अंदर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कोलिजन से पहले जितना टोटल मोमेंटम था सिस्टम का, टकराने के बाद भी उसका टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी कंजर्व नहीं रहती। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम दे सकते हैं, एक बॉल है उसको आप सैंड के ऊपर फेंकें ऐसे सैंड पे, तो वो कभी भी इतनी हाइट पे वापस नहीं आ पाएगी, बहुत कम हाइट पे ऊपर आ सकती है। ठीक है, आपने इसको ऐसे फेंका हाई वेलोसिटी के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, सैंड से हीट होने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर आई, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बहुत कम थी। अब टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हुई, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इनइलास्टिक फ्लूइड की एग्जांपल है। इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की टकराने से पहले टकराने के बाद वो बराबर नहीं है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन की। बच्चों, इलास्टिक फ्लूइड के बारे में आप सीख चुके हैं कि एक ऐसा फ्लूइड जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी मोशन एक ही लाइन के अलोंग थी, और टकराने के बाद भी एक ही लाइन के अलोंग रहे उनकी मोशन, तो हम बोलेंगे ये इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन है। बच्चों, अब इस टॉपिक में आपको करना क्या है, पहले आप ये जान लीजिए, यहां पर दो ऑब्जेक्ट को आप आपस में कोलाइड कराएंगे, कोलाइड कराने के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज होती है उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशंस आपने डिराइव करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस m1 है, दूसरा मैस m2 है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। एक मैस पहले वाला जो है m1 है वो थोड़ा तेज चल रहा है, उससे आगे वाला मैस जो m2 है वो थोड़ा सा स्लो है, तो ये जाके उसको ऐसे हिट करेगा। ठीक है, इनका आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा कि आगे वाली बॉल की और पीछे वाली बॉल दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी टकराने के बाद। आगे वाली बॉल थोड़ी तेज हो जाएगी लेकिन जाती उसी डायरेक्शन में रहेगी, और जो पीछे वाली बॉल थी जिसने उसको हिट किया वो थोड़ी स्लो हो जाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है, आपने इनकी सेम डायरेक्शन रखनी है। आपको जो बुक में एक डायग्राम बना के दिखाई गई है उसमें डायरेक्शन अपोजिट ली गई है, लेकिन जो नीचे रिलेशन ड्राइव किया गया है वो उसके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं तो फिर आपको वेलोसिटीज के साथ नेगेटिव साइन लगाने पड़ते हैं जो कि अपोजिट है, वो नहीं लगाए गए, इसलिए वो डायग्राम सही नहीं है। आप इस तरह से एक ही डायरेक्शन में लेंगे तब आपकी सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगी, अगर कोई एक भी आपने ऑपोजिट में ले लिया तो उसको आप नेगेटिव करना पड़ेगा फिर आपको, जो कि बुक में नहीं किया गया, इसलिए बुक वाले डायग्राम की बजाय आप ये डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमने देखा कि दो मैसेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, पहले भी इनकी वेलोसिटी जो है वो एक ही डायरेक्शन थी, उनकी टकराने के बाद भी वेलोसिटी चेंज जरूर हुई लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकी। ठीक है, तो अब ये यहां पर हमने क्लियर करा लिया, अब इनकी फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 इनके लिए हमने रिलेशन ड्राइव करना है। अब जरा ज़हन पे जोर दें, बेसिकली ये है क्या, इलास्टिक फ्लूइड है, हमने बातें की थी इसके बारे में कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, और उन्हीं दोनों की हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी हुई है, मैं आपको भी ये रिवाइज कराता हूं, उसके बाद इन्हीं को यूज करते हुए हम वेलोसिटीज के रिलेशन निकालेंगे। अब देखिए, इसमें कहा जाता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी मतलब ये कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। इसका मोमेंटम क्या है, m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, तो देखिए टोटल मोमेंटम क्या आ गया, m1 u1 + m2 u2, वो बराबर होगा टकराने के बाद का मोमेंटम, टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या है m1 v1, इसका मोमेंटम क्या है m2 v2, तो दोनों का ऐड करें टोटल मोमेंटम यहां पर आने का, टकराने से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। ये आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं, m1 u1 + m2 u2 = हमारे पास आता है m1
v1 प्लस m2 v2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात, इलास्टिक रीजन के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद वो हमेशा सेम रहती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। इसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो हाफ m2 u2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इज v1 और v2, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। इस इक्वेशन को भी आप यहां पर लिख लेंगे, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक v1 और एक v2, ठीक है। अब एक इक्वेशन के अंदर ये दोनों मौजूद है, इसके अंदर यहां पर ये v1 फाइंड करनी है और ये v2 भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन की हेल्प से तो ये नहीं फाइंड कर सकते रिलेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा एक और इक्वेशन चाहिए होगी, ये रही दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से v1 और v2 का रिलेशन हमने फाइंड करना है। लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए रिलेशन निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है और ये भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, दोनों की हेल्प से हम नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके एक आसान और सिंपल रिलेशन ड्रा कर लेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम वेलोसिटीज निकालेंगे। क्यों, इनसे वेलोसिटीज निकालना काफी मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे उस काम के लिए, उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको भी रीअरेंज करेंगे, इसको भी रीअरेंज करके आपस में डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें क्या करें आप, इस पहली वाली इक्वेशन में ना m1 एक तरफ लिया है और m2 दूसरी तरफ लिया है, ठीक है। m1 u1 इधर ही रहेगा और ये जो m1 v1 है ये भी इधर आ जाएगा, माइनस m1 v1, ठीक है। आपने इसको रीअरेंज किया और m2 वाले उधर ले जाए, ये क्या था इधर हमारे पास m2 v2 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u2, ठीक है। इधर से आप ले लें m1 कॉमन, u1 माइनस v1 हो जाएगा, इधर से आप m2 कॉमन ले लें, v2 माइनस हमारे पास ये u2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इसको आप यहीं पे रखें, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब हम इसको भी सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, और m1 m2 अलग अलग कर लेंगे। इसके अंदर देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, और ये वाला किधर है m1, ये वाला इधर ले आए, इसको माइनस हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, m2 वाले एक तरफ, इधर पहले से पड़ा हुआ है 1/2 m2 v2 का स्क्वायर और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर आ गया, ओके। अब m1 m2 एक तरफ कर दिए हमने, अब देखिए इस तरफ 1/2 भी कॉमन लेंगे, साथ m1 भी कॉमन आ जाएगा, 1/2 और m1 ये इकट्ठे कॉमन ले लिया आपने दोनों से, तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखें तो 1/2 भी कॉमन आएगा और साथ में m2 भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर आ गया, ओके। अब देखिए यहां पर 1/2 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बची है, m1 into u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 into v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब आपने ये करना है कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन
टू बाय इक्वेशन वन, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर करते हैं m डिवाइड m1 इनटू u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 इनटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ओके, और डिवाइड कर देंगे जी इसको हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। ये रही हमारी इक्वेशन वन, m1 इनटू आ जाएगा हमारे पास u1 माइनस v1 और यहां पर m2 और इसके साथ क्या लिखा है v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 यहां पे। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a माइनस b इनटू a प्लस b। उस फॉर्मूले को यहां पे ओपन करें ताकि ये उसे कट जाए। तो यहां पर हम करेंगे m1 इनटू u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास m1 इनटू u1 माइनस v1। यहां पर भी आप ऐसे करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहां पर आ जाएगा m2 इनटू ये आ जाएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय m2 इनटू v2 माइनस u2। अब क्या करेंगे देखिए, m1 m1 से कैंसिल, m2 m2 से कैंसिल और ये वाली पूरी ब्रैकेट जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा पीछे, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये हमारे पास वो आसान और सिंपल सी इक्वेशन आ गई कि जिसकी हेल्प से हम बआसानी v1 और v2 की वैल्यूज को निकाल पाएंगे। अब जरा सुन ले गौर से, फिर हमने ये सारे स्टेप्स क्यों किए, इसकी क्या रीजन है हमारे पास, क्या लॉजिक है हमारे पास। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, अगर एक से दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे या दोनों से हम मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को यूज करते हुए एक आसान रिलेशन ड्रा कर लिया। ये है वो आसान रिलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इस आसान रिलेशन की हेल्प से हम बआसानी वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो इसमें किया गया हमने दोनों में से दोनों इक्वेशन के अंदर m1 एक तरफ किया, m2 एक तरफ किया। पहला स्टेप याद रख लें आप लोग, दोनों में m1 m2 एक तरफ किए, ठीक है, सिंप्लीफाई किया और दोनों को डिवाइड किया। क्या किया हमने, दोनों में m1 एक तरफ m2 एक तरफ किए, नीचे वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्या किया मतलब दोनों तरफ 1/2 से काटा है, उसके बाद दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। बस इतना सा काम किया आपने डिवाइड करते हुए। तीसरा स्टेप आपने किया याद रखने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला आपने यहां पर ओपन करना है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b a प्लस b, तो ऑटोमेटिकली ये इससे कट जाएंगे और ये हमारे पास सिंपल सा आसान सा एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन की हेल्प से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ओके, अब ये जो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाली मेन इक्वेशन है जिसको मैं चले मैं स्टार इक्वेशन कह देता हूं, ये इसका नाम हम ए इक्वेशन रख देते हैं, ठीक है। इस जो ए इक्वेशन है ना, इसकी और इसकी हेल्प से हम वी वन और वी टू के लिए रिलेशन निकालेंगे। अब जरा देखिए, यहां पर दो अननोन है, एक वी वन दूसरा वी टू। जब भी आपको एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन होते हैं अवेलेबल होते हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते कि जब तक आप एक को खत्म नहीं करेंगे, जब तक v1 खत्म नहीं होगा आपको v2 की वैल्यू नहीं मिलेगी और जब तक v2 खत्म नहीं होगा आपको v1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो v1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले v2 को खत्म करेंगे। खत्म हम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल कर इसमें हम पुट कर देंगे। अब जरा देखिए, आपके पास जो मेन इक्वेशन आ गई हमारी वो कौन सी इक्वेशन है, u1 plus v1 is equals to v2 plus u2। इस इक्वेशन से ना, इक्वेशन नंबर 4 से आपने
v2 की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है, उससे क्या होगा v2 खत्म हो जाएगा। जब v2 खत्म होगा तो आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी। अब यहां पर v2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, u1 प्लस v1 और ये माइनस क्या हो जाएगा u2। ये आई v2 की वैल्यू, ये v2 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, उससे हमारा v2 खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन से, तो हमें v1 के लिए बआसानी रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए, हमारी जो ए मेन इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। देखिए जी, इधर क्या लिखा हुआ है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 था ना, तो v2 की जगह पे हम v2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली u1 प्लस v1 माइनस u2, यहां लिखेंगे u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 था, v2 की जगह पर हमने v2 की ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे आप, अब आपने ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस m2 u2 आ गया। इधर क्या वही का वही जो पहले लिखा था m1 u1 प्लस m2 u2 आ गया। ठीक है, यहां से आपको मिक्स ना हो जाए, मैं यहां लाइन लगा लेता हूं ऐसे। ओके जी, अब देखिए आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप v2 खत्म हो गया, v1 रह गया, ये रहा v1 ये। ठीक है, और आपको ये भी नजर आ रहा होगा v1 जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, आपको कहीं पर भी v2 नजर नहीं आएगा। तो जो बात मैंने की थी कि जब तक आपको v2 खत्म नहीं करेंगे आपको v1 नहीं मिलेगा, तो आपने v2 की वैल्यू जब आपने पुट की तो अब आपको v2 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, अब आपने v1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैथमेटिक्स हमें ये कहती है कि जिस चीज की आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ इकट्ठा करें, बाकी चीजें आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो इधर क्या है हमारे पास, चलो थोड़ा सा इक्वल हम इधर लगाते हैं, इधर लगा के लिख देते हैं ताकि इधर हमें और भी चीजें ऐड लानी है। एक तो इधर पहले से ही पड़ा हुआ है जी m1 v1, इसको आप इधर ही रखेंगे। एक ये भी v1 वाला है, इसको भी इधर ही रख लें आप, प्लस m2 v1, बाकी चीजें इधर ले हैं। इधर पहले से क्या है m1 u1 ये वाला प्लस m2 u2 ये वाला, और ये माइनस m2 u2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का m2 u2 ये वाला। ठीक है, इसको हमने उधर भेज दिया, फिर m2 u1 ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस m2 u1 ये भी हमने उधर भेज दिया। ठीक है, तो क्योंकि हमने v1 की वैल्यू निकाली थी इसलिए हमने v1 को इधर एक तरफ इकट्ठा रखा v1 वाले, और बाकी तमाम के तमाम हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिए। ओके, ये u1 वाला है, ये भी u1 वाला है, इन दोनों में से आप u1 कॉमन ले लेंगे, इसमें से इसमें से, बल्कि मैं पहले इसको अरेंज करके लिख लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए। m1 u1 और इसको माइनस m2 u1 कर दे, ये वाला क्या है प्लस का m2 u2 और प्लस m2 u2, तरतीब से लिख दिया हमने। ठीक है, इधर लिख देंगे m1 v1 प्लस m2 v1 हमने वैसे लिखा। अब देखिए इन दोनों में क्या है, u1 कॉमन है, तो आप लिख देंगे m1 माइनस m2 और इसमें से u1 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों में u2 कॉमन है तो आप u2 कॉमन ले लेंगे, m2 प्लस, बल्कि दोनों के दोनों एक जैसे हैं, देखें m2 u2 और m2 u2 आप इधर लिख देंगे 2m2 u2, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल 2m2 u2 लिख देंगे, मसला ये आसान हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए इनमें दोनों में v1 कॉमन है, m1 प्लस m2 और साथ में ये v1 कॉमन वाला। अब क्योंकि आपको v1 की वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी आप वो इधर ले आए, तो इधर v1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय वो वाली ब्रैकेट m1 प्लस m2 इनटू u1। ठीक है, प्लस अब यहां पर m2 u2 है, ठीक है, इसके नीचे भी ये डिवाइड कर देंगे 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी,
तो ये आ गया जी हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये आ गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टकराने के बाद v1, ये हमने मैथमेटिकल रिलेशन ड्रा कर लिया इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी v2 के लिए। ये रहा v2, तो v2 के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद फिर उसको लिखते हैं हम। u1 plus v1 is equals to u2 plus v2, ये था हमारा रिलेशन। अब जिस तरह हमने पहले v1 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो v2 को खत्म किया था उसकी वैल्यू पुट करके, अब हमने v2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो v1 को खत्म करेंगे उसकी वैल्यू पुट करके। अब आपने v1 की वैल्यू इसमें पुट करनी था कि आपको v2 मिले, तो क्या होगा हमारे पास, v1 is equals to क्या होगा, u2 plus v2 minus u1, ये u1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन ए के अंदर, पुट इन इक्वेशन ए, ए इक्वेशन में पुट करेंगे, ये रही हमारी ए इक्वेशन, वो क्या इक्वेशन है, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2, ये रिलेशन है। अब यहां पे किधर लिखा हुआ है m1 v1, इधर लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूंगा, देखिए इधर m1 इधर ही होगा। अब जब मैं v1 की वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन से तो v1 खत्म हो जाएगा, अब आपको सिर्फ v2 ही मिलेगा, तो v2 के लिए आप रिलेशन निकाल देंगे। v1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, u2 plus v2 minus u1, और ये साथ में जो लिखा वो भी लिख दें आप, m2 v2, इधर क्या लिखा है वैसे का वैसा लिख दें, m1 u1 plus m2 u2 आ गया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे जी हम, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, m1 u2 plus m1 v2 minus m1 u1, ठीक है, plus minus minus m1 u1, और ये जो आखिर में ये वाला पड़ा है इसको आप ऐसे लिख देंगे m2 v2, ठीक है, इधर वाला भी ऐसे लिखें m1 u1 plus m2 u2, m2 u2, ओके। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है v2 की, ये रहा v2, यहां पर भी है v2, ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमें ये कहती है कि जिस चीज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको इक्वल के एक तरफ रखें और बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हमारे काम कर रही है, ये हमारे काम कर रही है, इसको भी उधर ले लेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे। इधर पहले से क्या पड़ा हुआ है, m1 u1 plus m2 u2, ठीक है, अच्छा तो ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा m1 u2, ठीक है, m1 u2, और ये वाला भी इधर आके प्लस हो जाएगा m1 u1, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। अब इधर क्या रह गए, सिर्फ दो ही रह गए, m1 v2 और प्लस m2 v2 आ गया, ओके सही हो गया। अब ये u1 है और ये वाला u1 है, इन दोनों को तरतीब से लिख लेते हैं, बल्कि देखिए दोनों एक जैसे हैं, m1 u1 plus m1 u1 क्या हो जाएगा, एप्पल प्लस एप्पल, टू एप्पल, टू वन टू एम वन यू वन। अब इन दोनों में से ना, इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से यू टू कॉमन है तो आप यू टू कॉमन ले लें, एम टू माइनस एम वन, ठीक है, साथ में यू टू आपने ले लिया कॉमन, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर भी देखें इनमें से वी टू कॉमन है तो एम वन प्लस एम टू, यहां से आपने वी टू कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका कॉमन वी टू, ओके। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v2 की वैल्यू चाहिए, ये साथ में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, हमें नहीं चाहिए, इधर आके डिवाइड कर लें, v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय क्या होगा जी m1 plus m2, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है जी m2 minus m1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, ये वाला आगे इधर डिवाइड हो गया, साथ में u1 लिखा है तो लिखा रहे यहां पर ये u2, ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास वो रिलेशन जो कि v2 करेगा। अब जो KPK की बुक है वहां पर क्या किया गया, यहां पर उन्होंने माइनस साइन शो किया हुआ है, ठीक है, तो आप जरा थोड़ा सा इसको गौर से देखें ना, तो ये रिलेशन भी उस तरह हो सकता है, ये वही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, हम इसको यू भी लिख सकते हैं, टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू,
और यहां पर अगर माइनस चाहते हैं इन्हीं में से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहां आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसको उन्होंने पहले लिख दिया, एम वन को पॉजिटिव करके पहले लिख दिया, एम टू को नेगेटिव करके बाद में लिख दिया। तो आपकी मर्जी, अगर आप यू लिखना चाहते हैं तो यू भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि ये गलत है। एम वन प्लस एम टू यहाँ पर आ जाएगा साथ में, ये यू टू दिस इज इक्वल टू वी टू। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज का रिलेशन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इनके कुछ स्पेशल केसेस की, वो फोर स्पेशल केसेस हैं। पहला केस क्या है कि अगर एम वन और एम टू दोनों बराबर हों तो फिर दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज कैसी होंगी। दूसरा केस, जब m1 m2 दोनों बराबर तो हैं, दोनों मैसेज इक्वल हैं, लेकिन जो सेकेंड बॉडी है वो एट रेस्ट पे हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। तीसरा केस है कि जब एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है एक मैसिव ऑब्जेक्ट से और मैसिव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। चौथा हमारे पास जो केस है वो ये है कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड करता है एक लाइट ऑब्जेक्ट के साथ और लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है। ये चार केसेस आपके पास, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। इन्हीं के अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इनके लिए रिलेशन निकालेंगे। पहली बात ये याद रखिए, अगर दो मैसेज इक्वल हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं और उनका कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी दूसरे को दे देता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी जो है वो पहले को दे देता है, तो इनकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज। अभी आपको मैं प्रूव करके भी बताता हूँ। पहला केस, जब आपके पास m1 बराबर होता है m2 के, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं यहीं पे मॉडिफिकेशन करूंगा v1। अब देखिए यहां पर m1 m2 दोनों बराबर है, तो मैं m1 और m2 दोनों की जगह पर mm पुट करूंगा, m माइनस m क्या हो जाएगा, जीरो, m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, और साथ में क्या आएगा आपके पास u1। प्लस यहां पर भी m2 है तो m2 2m2 है तो यहाँ पर 2m हो जाएगा, 2m, क्योंकि दोनों मैसेज इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो दोनों की जगह पे हमने क्या पुट करना है, m पुट करना है, डिवाइडेड बाय m प्लस m, और साथ में क्या आएगा u2। अब देखिए m माइनस m ये तो जीरो हुआ, और जीरो u से मल्टीप्लाई होकर पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसमें ये 2m है और m प्लस m क्या होता है 2m, तो 2m 2m से कट जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको u2, तो पता चला कि v1 बराबर है u2 के। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, आप देख सकते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। अब इसी तरह से हम v2 निकालेंगे, तो v2 में भी हमने यही कंडीशन पुट करनी है, m1 m2 की जगह पर m पुट कर देना है, तो यहां पर हम पुट करते हैं v2 is equal to, देखिए यहां पर जहां जहां m1 m2 है वहां पर आप m पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2m divided by m plus m। ठीक है, और साथ में क्या है जी u1। ठीक हो गया, और m1 minus m2 m minus m कर देंगे, plus m minus m divided by m plus m, और इधर आएगा हमारे पास u2। अब देखिए m माइनस m करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, m माइनस m ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो, m माइनस m जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो। सो v2 इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है 2m, और m प्लस m क्या होता है 2m, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, क्या मिला आपको इस इधर इधर u1, प्लस ये जीरो से मल्टीप्लाई होगी, क्या मिला जीरो, तो यहां पर आपको पता चला कि v2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ u1। अब जरा देखिए u1 और u2 ये उनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं, v1 और v2 उनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं। देखिए पहले मैस की फाइनल वेलोसिटी बराबर है दूसरे मैस की इनिशियल, और दूसरे मैस की फाइनल वेलोसिटी बराबर है पहले मैस की इनिशियल, यानी कि पहले ने अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे दी और दूसरे ने अपनी वेलोसिटी पहले को दे दी, यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास पहला केस था, केस वन। अब हम केस टू पर आते हैं। केस टू में क्या कहता है, केस टू में हमारे पास ये कहता है कि m1 m2 दोनों बराबर हैं और u2 रेस्ट है, हम u2 को सेकंड बॉडी कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेकंड बॉडी एट रेस्ट है,
अब जरा देखिए क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर जो आपके पास आया था। यहाँ पर देखिए हमने सेम मैसेज के लिए रिलेशन निकाले थे ना, जब m1 m2 बराबर होगा, ये पहले तो हमने कंडीशन अप्लाई कर दी दोनों के ऊपर कि m1 m2 बराबर है। अब दूसरे केस में हमने क्या अप्लाई करना है साथ में, जहां पर u2 है उसको जीरो पुट कर देना है। ये देखिए v1 आपके पास u2 के इक्वल आया था ना, इसको अब जीरो कर देंगे, बल्कि मैं पूरा कर ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सेम टू सेम वही स्टेप होंगे, v1 के लिए क्या करेंगे आप, पहली कंडीशन m1 m2 दोनों बराबर है तो यहां बराबर पुट कर दें, क्या बन जाएगा आपके पास m1 - m / m + m, साथ में आ गया u1 + 2m और नीचे क्या लिखा होता है हमारे पास इसके m1 m2 वो क्या बन जाएंगे, ये भी 2m ही बन जाएंगे और साथ में u2 आ गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है उसने बताइए साथ में, कि सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो u2 को जीरो पुट कर दूंगा। अब देखिए जरा v1 = अब m1 m2 जीरो हुआ, जब ये जीरो इस u1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको पूरे का पूरे को क्या कर देगा जीरो, क्योंकि ये जीरो हुआ इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस ये इससे कट गया और u2 की वेलोसिटी उसने खुद कहा कि सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो सेकंड बॉडी अगर एट रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो, तो आपको v1 क्या मिलेगी जीरो मिलेगी। ठीक है, अब आप v2 के लिए निकालना चाहते हैं तो ये रहा v2 का, सेम टू सेम पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे m1 m2 की जगह m पुट करें, दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे u2 को जीरो करें क्योंकि सेकंड बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो आपके पास v2 का रिलेशन क्या आएगा, v2 का रिलेशन में हम यहां लिखेंगे 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m m प्लस m और साथ में क्या आएगा u1 प्लस, यहां पर देखिए m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, ठीक है साथ में क्या है जी u2, तो u2 क्या था हमारे पास जीरो था। ठीक है, अब जरा देखिए v2 किसके बराबर आएगा, m प्लस m क्या होता है 2m, ऊपर भी 2m नीचे भी 2m कट गया तो यहां पर सिर्फ u1 बचेगा, क्योंकि देखो m प्लस m 2m होता है, 2m से कट जाएगा m u1 बचा, अब जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जीरो, तो v2 इज इक्वल टू क्या मिलेगी आपको u1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया उसी की मॉडिफिकेशन जो आपने पहले सीखा, यहां पर u2 था ना उसको जीरो पुट कर दें तो v1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं v2 = u1 के, तो v2 = u1 के। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपने सीख लिए। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 3, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, एक बहुत लाइट बॉडी है, ये छोटी चीज का नाम हम m1 कर देते हैं इसका मास, और एक बहुत मैसिव बॉडी है, ठीक है उसका हम कह देते हैं जी ये m2 है। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, एक लाइट बॉडी कोलाइड करती है मैसिव बॉडी से और मैसिव बॉडी जो है वो एट रेस्ट है, तो इसकी वेलोसिटी को फिर हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब m1 जो है वो बहुत स्मॉलर है एज कंपेयर टू m2, सो हम यहां लिख सकते हैं m2 इज वेरी वेरी लार्जर देन m1, ये बहुत बड़ा है m1 के मामले में। ठीक है, तो इसलिए फिर यहां पर आप m1 को जीरो करेंगे, यानी इसको इग्नोर करेंगे आप, ठीक है निग्लेक्ट कर देंगे इसको। ओके जी, ये दो चीजें अब आपने देखनी है, यहां पर फिर सुन ले, जब हमारे पास एक लाइट ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे उससे टकराता है तो क्या होता है, तो ये हमारा एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी को u1 मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u2 मास इसका m2 है और मैसिव बॉडी एट रेस्ट है, तो इसलिए u2 को जो है इनिशियली हमने जीरो किया। अब हम क्या करते हैं यहां पर ये केस अप्लाई करेंगे दोनों वेलोसिटीज का, v1 क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v1 = अब देखिए जरा जहां पर m1 आएगा उसको हमने जीरो पुट करना है, ये m1 है इसको जीरो पुट करेंगे, 0 - m2 डिवाइडेड बाय नीचे देखिए m1 + m2 है, इधर भी जीरो पुट करेंगे 0 + m2 और साथ में क्या आएगा जी u1। ओके, नेक्स्ट प्लस में अब देखिए यहां पर 2m है तो आपने जहां पर m1 नजर आया वहां पर जीरो पुट करना है, m2 को ऐसे ही रखेंगे हम, 2m2 डिवाइडेड बाय m1 को जीरो पुट कर दिया प्लस m2 इसी तरह से रहा और साथ में क्या है u2 हमारे पास जीरो है क्योंकि u2 सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, सेकंड बॉडी एट रेस्ट है
तो इसको आप जीरो कर देंगे, ठीक है। ओके जी, तो क्या आएगा जी, यहां पर आप देख सकते हैं वी वन माइनस एम टू बाय एम टू बन जाएगा माइनस और यू वन, क्योंकि एम टू से कट गया, जीरो तो कुछ भी नहीं है, माइनस एम टू बाय एम टू क्या बनेगा माइनस और साथ में यू, ठीक हो गया। अच्छा फिर प्लस जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से तो वो इसको जीरो कर देगी, तो वी वन इज इक्वल टू माइनस यू वन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट को आप एक मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे कोलाइड कराते हैं, ठीक है, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ वापस आ जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक बाल और एक वाल है। वाल एक मैसिव ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पर है, बाल हमारे पास जो है वो एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत छोटा है उसके मुकाबले में। अगर आप बाल को उसकी तरफ मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ सेंड करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो वो उतनी ही स्पीड से वापस आएगा, हल्की स्पीड से फेंकेंगे तो वो हल्की स्पीड से वापस आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना वो ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन अपोजिट है। आपने बाल को ऐसे फेंका था वॉल की तरफ, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और टकराने के बाद वो वापस ऐसे आया है उतनी ही वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास वो केस, ठीक हो गया। तो हमने जो बॉल या जो छोटा सा मैस सेंड किया था हैवी बॉडी की तरफ जो कि रेस्ट पर थी, तो वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो स्मॉल मैस वापस आ गया। उसकी जो इधर वाली वेलोसिटी थी वो यू वन थी और जो इधर आई वो वी वन है। वी वन बराबर है माइनस यू के, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, अब हम जो है वो देखते हैं जी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी चेक करते हैं वी टू, उस पर क्या असर पड़ा होगा। ये रहा वी टू का रिलेशन। अब जहां जहां हमारे पास एम वन होगा वहां जीरो कर देंगे, ये टू एम वन है तो चले इसको हम जीरो कर देंगे, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस एम टू इनटू क्या आ जाएगा साथ में हमारे पास यू वन। तो देखिए यहां पर एम वन की जगह पे जीरो पुट कर दिया, जीरो टू से मल्टीप्लाई होगा और फिर वी वन से तो पूरे को जीरो कर देगा, ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, वो ये वाला है, यहाँ पे एम टू माइनस एम वन है, सो एम टू इसी तरह रहेगा माइनस एम वन की जगह हमने जीरो पुट कर दिया डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, एम वन प्लस एम टू। और जो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो यू टू है और सेकंड बॉडी क्या थी, एट रेस्ट थी, ठीक है, तो हमने यहां पर जीरो पुट कर दिया। ओके, अब जरा देखिएगा, जरा v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इनटू समथिंग इज आल्सो 0, देखिए 0 इनटू 2 2 0 और 0 को u1 से मल्टीप्लाई किया पूरा 0 हो गया, प्लस ये 0 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ ये भी 0 रहा, तो v2 जो है वो अभी भी रेस्ट पर, यानी सेकंड बॉडी वो स्टिल रेस्ट पर है। आप खुद सोचिए ना, अगर एक बॉल को आप दीवार की तरफ सेंड करते हैं, ऐसे आपने इसके ऊपर फेंका, दीवार रेस्ट में थी, बाल के टकराने के बाद में भी वो किस में है, वो रेस्ट में ही है, ठीक है। इसीलिए जो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो, बाल की सॉरी वाल की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी, वाल की और फाइनल भी जीरो है, यानी हमने जब इसको ऐसे उसकी तरफ सेंड किया था मैसिव बॉडी रेस्ट पर थी, यू टू जीरो थी, बाल के टकराने के बाद बाल टकरा के वापस आ गई, तो क्या दीवार भी मूव की, नहीं दीवार तो मूव नहीं करती, कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रही, जीरो। ये हमारे पास उस चीज को प्रूव करता है, ठीक है। तो हमने ये अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी एट रेस्ट, कि जब एक भारी भरकम बॉडी जो है वो एक लाइट बॉडी के साथ आके कोलाइड करती है। तो हमने m1 एक मैस लिया जो कि भारी भरकम है, हैवी बॉडी है, और m2 एक मैस लिया जो कि बहुत छोटा है, स्मॉलर है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने u2 कहा, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पास लाइटर बॉडी है वो एट रेस्ट है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो m1 is very very larger, m1 is very very greater than m2, तो क्योंकि m2 बहुत छोटा है इसलिए हम इसको निगलेक्ट करेंगे, m2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, इसमें जीरो पुट करेंगे, ठीक है। और जो छोटे वाला ऑब्जेक्ट है जो कि सेकंड बॉडी है उसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए u2 को भी आपने जीरो करना है। चलिए आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या रिलेशन मिलेगा। पहले हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 वो क्या होगी, जहां जहां अब आपको m2 नजर आएगा वहां जीरो करेंगे, m1 माइनस जीरो, m1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय m1 प्लस जीरो ऐसे, ठीक है, और साथ में क्या u1, u1, ठीक है, प्लस जो दूसरी है हमारे पास ये, यहां पर भी m2 को हम जीरो करेंगे, m2 की जगह जीरो पुट कर दिया, m1 प्लस m2, ठीक है, और u2 u2 जीरो था,
ओके जी देखिए जरा, एम वन माइनस जीरो एम भी होता है, एम वन प्लस जीरो ये भी एम, एम एम से कट गया, यहां पर बचा है यू वन, ठीक है, प्लस टू इंटू जीरो जीरो, जीरो को समथिंग से मल्टीप्लाई करो पूरे का पूरा जीरो, तो वी वन इज इक्वल टू यू वन। इसका मतलब ये हुआ, u1 is equal to v1 का मतलब ये हुआ कि पहला ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही रही, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया। आप यूं समझिए कि एक ट्रक आ रहा है, अब उस ट्रक को एक मैसिव बॉडी है, आप छोटा सा स्टोन लेके उसकी तरफ ऐसे सेंड करते हैं, आपको क्या ख्याल है कि आपके स्टोन से वो ट्रक रुक जाएगा या उसकी स्पीड कम हो जाएगी? उसकी स्पीड में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं आएगा। या एक छोटा सा हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ ट्रक के सामने, वो रेस्ट पर है, ट्रक आता है उसको उसके ऊपर से गुजर जाएगा या उसको जरा सा साइड पे हटा देगा, उसको हिट करके साइड पे कर देगा, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी के ऊपर वो छोटे से ऑब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए, यहां पर बहुत मैसिव बॉडी है और सामने बहुत स्मॉलर बॉडी है, रेस्ट है, ये मैसिव बॉडी जब उसके जाके हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी को कोई चेंजिंग आएगी नहीं, ये अपनी वेलोसिटी उधर ही जारी रखेगा। और यहां पर देखिए इसका यहां पे कोई नेगेटिव साइन भी शो नहीं हो रहा, v1 is equal to u2 है, यानी u2 और v2 दोनों बराबर हैं और दोनों क्योंकि एक ही साइन पॉजिटिव साइन के साथ चल रही है, मतलब ये कि डायरेक्शन भी सेम ही रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, यानी एक हैवी बॉडी आ रही है, इसके सामने एक लाइट ऑब्जेक्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी स्पीड से चलता रहा। एक हैवी ऑब्जेक्ट के सामने जब एक बहुत लाइट वेट का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कोई किसी किस्म का चेंज आता ही नहीं है, वो अपनी वेलोसिटी के साथ उधर ही चलता रहता है और उसमें कोई ना ही डायरेक्शन में चेंज आता है ना ही उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। इसलिए यहां पर देख लिया हमने v1 बराबर है u1 के, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इसके साथ क्या हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ जी, हमारे पास पुट कर देंगे वैल्यू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0, क्योंकि m2 को हमने 0 पुट करना था, m2 को हमने 0 पुट कर दिया, और साथ में क्या है जी u1 प्लस, अब सेकंड बॉडी में यहां पर m2 को हम 0 पुट करेंगे, इधर भी m2 को 0 पुट करेंगे, m2 0 माइनस m1 और m1 प्लस m2 की जगह आपने 0 पुट कर दिया, साथ में क्या है u2, अब u2 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है तो वो तो 0 है, इसलिए हम यहां पर डायरेक्टली यहां 0 पुट कर देते हैं, ये 0 0 into something is 0 होता है। अब जरा देखिए जी इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v2 यहां पर ये m1 से कट जाएगा, 2 बचेगा और ये u1, क्योंकि देखो ये तो 0 है मतलब 1 हुआ 1 बराबर है, m1 से कट गया, 2 बचा, 2 into u1 2u प्लस 0 into something, ये पूरी ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाएगी। अब जरा देखिए v2 कितने के बराबर होगी, 2 टाइम u1 के, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ u1 पहले ये हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u1, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, जब उसने एक लाइट ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे था उसको हिट किया तो टकराने के बाद लाइट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, लाइट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस मैसिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से 2 गुना हो जाएगी और वो सेम डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि एक साइकिल खड़ा है, ठीक है, ऐसे रोड के ऊपर, और एक ट्रक आता है और आके उस साइकिल को हिट करता है, तो आपने खुद देखा होगा ये चीजें ऑब्जर्व की होगी कि वो साइकिल या बाइक जो भी है वो बहुत आगे जाके स्पीड के साथ आगे जाके गिरता है। ऐसा क्यों हुआ कि ट्रक बहुत मैसिव बॉडी है, उसके सामने जो साइकिल रेस्ट पे खड़ा था जब उसको हिट किया वो उड़ता हुआ आगे गया, उसकी वेलोसिटी डबल की, जितनी ट्रक की वेलोसिटी थी ना, ट्रक की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी के साथ वो आगे पड़ा हुआ रेस्ट पर जो ऑब्जेक्ट था वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहां पर आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि v2 सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 2 टाइम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 टाइम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट, u1 मैसिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, ठीक है। तो जो हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट है वो डबल वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, मतलब अगर ट्रक आ रहा है 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, उसके सामने एक साइकिल खड़ा है रेस्ट पर, वो उसको हिट करता है तो साइकिल 40 की स्पीड से आगे जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे केसेस जो कि हमने डिस्कस कर लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।